This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। रूस लगातार पश्चिमी देशों को यूक्रेन से दूरी बनाने की बात कर रहा है। अब रूस की सेना एक खतरनाक परमाणु मिसाइल का प्रदर्शन किया है, जिसके बाद पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी ने अपने दो नेताओं को पार्टी के विरुद्ध काम करने के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आवास के बाहर चुड़िया दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने कभी भी जनादेश का दुरुपयोग नहीं किया है, इस बार 400 पार है। लोकसभा चुनाव के बीच कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार ने बड़ा दावा किया है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन करीब 300 सीट जीत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो राज्यों UP और महाराष्ट्र में ताबड़तोब चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आज गांधी परिवार की बड़ी रैली होनी है। इस रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल होंगे। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतुड़ी ने चारों धामों में मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी सोशल मीडिया के लिए रील बनाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। घाट को पर होर्डिंग गिरने की घटना, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा उदयपुर से गिरफ्तार किए गए मालिक भावेश भिंडे को मुंबई लाया गया है। पश्चिम बंगाल के मालदा में अचानक आए तूफान और बारिश के कारण बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 400 पार का नारा देने वाले लोग अब चुप हैं, वो इस नारे को दोहरा नहीं पा रहे हैं। जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी। नासिक शहर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के रोड शो के दौरान गुरुवार को शिवसेना UPT के समर्थकों ने नारे लगाए, जिसके जवाब में उन्हें धनुष बाण प्रतीक का संकेत देकर जवाब देना पड़ा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को कल्याण लोकसभा क्षेत्र से अपने बेटे और मौजूदा सांसद श्रीकांत शिंदे की जीत के बारे में विश्वास जताया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने अपने हिंदुत्व विचारधारा को नहीं छोड़ा है। हमारा हिंदुत्व घर में चूल्हा जलाने में मदद करता है, लेकिन BJP का हिंदुत्व घर को जला देता है। मुंबई के बाद अब पुणे में होर्डिंग गिरने से हादसा हो गया। बारिश के दौरान पिपरे चिंचवड शहर के मोशी में सड़क किनारे लगा लोहे का होर्डिंग गिर गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भोज में खाना खाने के बाद 90 लोग बीमार पड़ गए हैं। फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली NCR में लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन तक लू चलने का अनुमान है। सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार की शुरुआत शेयर बाजार के लाखों निवेशकों के लिए ठीक नहीं हुई। प्रमुख ब्रोकरेज ICICI डायरेक्टर का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आज बाजार खुलने से पहले डाउन हो गया। IPL 2024 के 66वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होना था, लेकिन बारिश की वजह से इस मैच को रद्द कर दिया गया। मैच रद्द होने के कारण दोनों टीमों को एक एक अंक मिले हैं। साउथ सुपरस्टार विजय थलपति की फिल्म गोट को लेकर काफी अपडेट आ रहे हैं। फिल्म को लेकर हाइप बनी हुई है। इस फिल्म का बजट तगड़ा है, साथ ही इसमें विजय का डबल रोल होने वाला है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।